नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन। आज मैं दोबारा आपके सामने किताबों के पन्नों से ही कुछ अच्छी लर्निंग, अच्छी सीख लेकर आई हूँ, जो मेरे जिससे मेरे मन पर बहुत गहरा असर छोड़ा। या फिर ऐसी काफ़ी सारी किताबें जो मैं पढ़ती हूँ और उसमें कोई छोटी एक बात होती है जो मुझे से लगता है कि मुझे सबसे शेयर करनी चाहिए, एक सीख, एक लर्निंग जिससे मुझे आगे एक रास्ता मिला या फिर मेरी सोच में कुछ बदलाव आया, तो वही कोशिश मैं आज फिर से करने वाली हूँ। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें किताबों के पन्नों से कुछ छोटे छोटे वाक्य, कुछ सिचुएशंस, इवेंट्स जो मुझे लगा कि विचार जनरल लाइक एक सीख, एक बोध की तरह हम उसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। बाकी तो आपको पूरी किताब पढ़कर ही बहुत कुछ पता चलेगा। तो ये किताब मैंने कुछ महीनों पहले ही ख़त्म की थी, पर एवरी डे उसका वो एक सेंटेंस या फिर एक पैराग्राफ जो मैंने पढ़ा था वो मेरे मन पे एक छाप छोड़ गया और मुझे लगा कि ये मुझे वीडियो द्वारा आप लोग सब तक पहुँचाना चाहिए। तो इस किताब में तो बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी फॉर्मेट में रियल इंसिडेंट्स पे आई थिंक ये पूरी किताब लिखी गई है। आखिर में बहुत अच्छी बात कही है जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी है। तो मैं पहले इंग्लिश में उस पैराग्राफ को पढ़ लूँगी और कोशिश करूँगी कि उसे ट्रांसलेट कर पाऊँ। हर एक चीज़ वर्ड बाय वर्ड करना मुश्किल है, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो मैं शुरू करती हूँ। ये पेज नंबर 263 फ्रॉम मैनहंट बुक से है, जहाँ पे स्टोरी समाप्त होती है और कुछ गहरी बात लेखक हमसे कहती है। मैन, लाइक एवरी अदर लाइफ फॉर्म हियर ऑन द प्लैनेट, हैज़ नो अदर पर्पस देन बीइंग विटनेस टू द ब्यूटी द मॉर्टल इल्यूजन ऑफ मटेरियलिज्म ब्रिंग्स। योर पार्टिसिपेशन इज नॉट अ पर्पस दिस प्लैनेट वॉज वेटिंग फॉर। There is nothing for you to set right except your intentions and your expectations. Planet Earth didn't invite you to save it. It regrets that in your ignorance you are seeking it, destroy it. Your only purpose, the reason you chose planet Earth as a temporary halt in your adventures across the universe, was to rejoice in its beauty. You are meant to celebrate this mysterious world of illusion. You are meant to live in awareness of your spiritual state while centered in the material world. ये मुझे बहुत 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 गहरा लगा, क्योंकि जैसे हम हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की या फिर लाइफ में फिजिकल के परे जब हम सोचना शुरू करते हैं योग द्वारा, मेडिटेशन द्वारा, हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूनिवर्स से कनेक्ट हमारा बनाने के लिए हम जब कोशिशें करते हैं, प्रयास करते हैं, तब ये सारी चीज़ें और गहरी छाप छोड़ जाती है। अदरवाइज हमें ये ज़्यादा कनेक्ट नहीं होता। तो जैसे कहा है कि इंसान, मनुष्य, बाकी सारे जो जीव है उनकी तरह इस प्लैनेट पर है और उनका और कोई पर्पस नहीं है और कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ उन्हें यहाँ पर एक गवाह की तरह इस धरती के, इस प्लैनेट, इस पृथ्वी के ब्यूटी को एक्सपीरियंस करना है। उसको मतलब एक विटनेस की तरह आप इसकी ब्यूटी को एक्सपीरियंस करो, एन्जॉय करो। और यहाँ पे जो इल्यूजन्स है, जो माया है, जो मटेरियल है जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो ये इस मटेरियलिज्म के अंदर रहकर जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, राइट? आज की तारीख में सब कुछ त्याग देना पॉसिबल नहीं है, हम इस एज में हैं, बट उन सब के बीच में भी रहकर इस ब्यूटी को एन्जॉय करते हुए अपना दिन और अपना जीवन बिताना, यही हमारा उद्देश्य है। पर हम मनुष्य क्या करते हैं, हमारे नए नए करियर गोल्स, लाइफ गोल्स सेट करके उसके पीछे भागते रहते हैं, जबकि हमारा उद्देश्य होना चाहिए अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना, अपने आप को और अच्छा डिसिप्लिन और स्पिरिचुअली अवेक करना, जिससे आपके अंदर के सारे अवगुण निकल जाए और अच्छे गुणों के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़े, आपकी आत्मा का आध्यात्मिक विकास हो, आपका आध्यात्मिक विकास हो। तो वही कहा है पहले वाक्य में, मैन लाइक एवरी अदर लाइफ फॉर्म हियर ऑन द प्लैनेट हैज़ नो अदर पर्पस देन बीइंग विटनेस टू द ब्यूटी द मॉर्टल इल्यूजन ऑफ मटेरियलिज्म
ब्रिंग्स। तो यहाँ पे रहकर हमें पृथ्वी के, धरती के, हमारे प्लैनेट के, इस ग्रह के सिर्फ ब्यूटी को, जो इतना ब्यूटीफुल ये सृष्टि है, यहाँ के पहाड़, यहाँ के समुंदर, यहाँ की झीलें, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ का सृष्टि जो हमारी है, वो ब्यूटी, उसकी खूबसूरती को हमें महसूस करना है, उसको विटनेस करना है, उसका एक गवाह बन के यहाँ पर ये सब कुछ एन्जॉय करना है और जाना है। और उसी के बीच में जो मटेरियल वर्ल्ड में हम हैं, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छा घर, उसी के साथ रहते हुए संतुलन में रहकर, कंट्रोल में रहकर, हर चीज़ प्रमाण में कर, किसी चीज़ का अति नहीं कर जब हम जीते हैं, वही हमारा उद्देश्य है और कुछ नहीं है। आगे बहुत गहरी बात कही है, योर पार्टिसिपेशन इज़ नॉट अ पर्पस दिस प्लैनेट वॉज वेटिंग फॉर। आपका योगदान के लिए पृथ्वी आपका कोई वेट, इंतज़ार नहीं कर रही थी। वो तो अपने आप में एक परिपूर्ण, एक ग्रह है, एक प्लैनेट है, पृथ्वी अपने आप में संपूर्ण है, उसे इंसानों की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? तो वो उन्हें हमारा योगदान किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी तरीके से नहीं चाहिए। हमारा पर्पस वो बनाना भी नहीं है हमें, ओके? योर पार्टिसिपेशन इज़ नॉट अ पर्पस दिस प्लैनेट वॉज वेटिंग फॉर। ये प्लैनेट आपके योगदान के लिए आपका इंतज़ार करके बैठी थी, ऐसा कुछ नहीं है, ओके? देर इज़ नथिंग फॉर यू टू सेट राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ गलत नहीं है जिसे आपको सही करना है, आपका कोई इंतज़ार कर रहा है कि ये आके यहाँ पे ये सही करके जाएगा, नहीं। एक्सेप्ट योर इंटेंशंस एंड योर एक्सपेक्टेशंस। सिर्फ आपको आपके एक्सपेक्टेशंस को, आपकी अपेक्षाओं को और आपके इंटेंशंस को, आपके नज़रिए को, आपके इच्छाओं को, डिज़ायर को, डिसीजंस को, उसको आपको सही करना है और कुछ नहीं करना है। आपके मकसद को आपको सही करना है, बाकी पृथ्वी को या इस प्लैनेट को या इस यूनिवर्स को आपका कोई योगदान नहीं है। प्लैनेट अर्थ डिडंट इनवाइट यू टू सेव इट। प्लैनेट अर्थ ने, पृथ्वी ने आपको कहीं इनविटेशन नहीं भेजा था कि आओ और मुझे बचाओ, मेरा सब कुछ बिखर रहा है या टूट रहा है या बर्बाद हो रहा है, अस्तव्यस्त हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? इट रिग्रेट्स दैट इन योर इग्नोरेंस यू आर सीकिंग टू डिस्ट्रॉय इट। उल्टे का धरती को, धरती माँ को या धरती को, इस पृथ्वी को लग रहा होगा कि उनको इस बात का पछतावा हो रहा होगा कि आप अपने इग्नोरेंस में, अपने नज़र, आपने जो नज़रअंदाज कर दिया है चीज़ों को, या फिर आप जो आपकी गलतियों के कारण आप ही उसे डिस्ट्रॉय करने पर तुले हो कोई ना कोई चीज़ से, जैसे प्लास्टिक इन्वेंशन, यूज़ ऑफ प्लास्टिक एवरी डे इन एवरी होम बाय एवरी इंडिविजुअल, जिससे हमारी पृथ्वी धीरे 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 स्पॉइल होते जा रही है, गंगा नदी पोल्यूटेड होते जा रही है, हवा में प्रदूषण हो रहा है। तो हम हमारी ही गलतियाँ या हमारी इग्नोरेंस, हम जो नज़रअंदाज करते बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को, उसके कारण उल्टे का हम ही उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम उसे कहीं बचाने रहे, राइट? वो तो अपने आप में फलती फूलती बहुत अच्छी सृष्टि से बनी हुई ये धरती है। योर ओनली पर्पस, द रीज़न यू चोज प्लैनेट अर्थ एज अ टेम्पररी हॉल्ट इन योर एडवेंचर्स अक्रॉस द यूनिवर्स वॉज टू रिजॉइस इन इट्स ब्यूटी। आपका एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपने प्लैनेट अर्थ को चुना, इस धरती माँ को चुना, इस पृथ्वी को चुना है, टेम्पररी हॉल्ट, एक छोटा सा ब्रेक जैसे कहते हैं कि आप एक क्षण भर जो विश्रांति लेने आप यहाँ पर आए हुए हो, आपके यूनिवर्सल एडवेंचर, मतलब पूरे ब्रह्मांड में जब आपका, जो आपका, आपकी आत्मा का एडवेंचर चल रहा है, सैर चल रही है, उसमें आपने छोटा सा ब्रेक लिया हुआ है धरती माँ पर रुकने का, ओके? तो आपको सिर्फ आना है और उसकी ब्यूटी को एन्जॉय करना है, जो आपके आसपास उसकी खूबसूरती है उसे देखिए रोज, उसके मज़े लीजिए, उसको धन्यवाद करें और अपना जीवन बिताएं। तो यही है कि आप इस पूरे ब्रह्मांड के सफ़र में हो और आपने पृथ्वी पर एक ब्रेक लिया हुआ, एक क्षण भर छोटी सी विश्रांति ली है, हम सैर में ही है, हम एक जर्नी में है, यहाँ पर सफ़र में है और हमने यहाँ पे ब्रेक लिया हुआ है, तो वही आपको सिर्फ एंजॉय करना, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि मुझे ये करना है, ये बचाऊँगा मैं, ये कर लूँगी, नहीं, आपको सिर्फ इसकी ब्यूटी को विटनेस करना है, ठीक है? तो ये बात मुझे इतनी गहरी लगी कि हम कितना स्ट्रेस लेते हैं, मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे कम्युनिटी के लिए ये भी करना चाहिए, मुझे समाज के लिए करना चाहिए, नहीं, सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो बैर करेंगे, उनके सामने वो मुसीबत आएगी और वो उसे सॉल्व करेंगे और आगे जाएंगे। आपको क्या करना है, आपका ख्याल रखना है,
आपके परिवार के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है वो करनी है, और समाज के प्रति आप सिविक सेंस जिसे कहते हैं वो आप निभाइए, बस आपको और कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके, आगे बताते हैं, यू आर मेंट टू सेलिब्रेट दिस मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन्स। आप यहाँ पर सिर्फ एंजॉय करने, सेलिब्रेट करने आए हो इस मिस्टीरियस वर्ल्ड का, ये जो मिस्टीरियस वर्ल्ड है, जादुई वर्ल्ड है, जिंदगी है, उसके इल्यूजन, उसकी माया में आप सिर्फ मज़े करने आए हो। माया जो होती है, जिसे हम नहीं छोड़ पाते, इस चीज़ की माया, उस चीज़ की माया, हम जो पकड़े रखते हैं चीज़ों को, उसके अंदर रहकर आप सेलिब्रेट करो अपनी लाइफ को, पर संतुलन में, संतुलन बनाते हुए, किसी भी चीज़ का अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। यू आर मेंट टू लिव इन अवेयरनेस ऑफ योर स्पिरिचुअल स्टेट वाइल सेंटर्ड इन द मटेरियल वर्ल्ड। आप यहाँ पर आपके स्पिरिचुअल स्टेट के साथ, यानी आपके आध्यात्मिक विकास के साथ, इस मटेरियल वर्ल्ड में रहोगे और उसे एंजॉय करो। यानी आपको क्या करना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि जब आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हो तो आपको सब कुछ त्याग देना चाहिए, आप अपने घर बार सब साधारण कर दो और इजी लाइफ जियो। नहीं, इन सब के बीच में रहकर, इन सारी टेक्नोलॉजी और मॉडर्न लाइफ के बीच में भी रहकर अपने आध्यात्मिक विकास को करते हुए, इन सारी चीज़ों को अपने प्रमाण में, कंट्रोल में, एक लिमिट में यूज़ करते हुए आप आगे बढ़ोगे। ओके, तो यही ऑथर हमें कहना चाहती है, और यही आई थिंक एक जीवन का सत्य है जो हमें इस छोटे से, इतने से पैराग्राफ से पता चल रहा है, राइट? तो हमें यही समझना है कि यहाँ पे आपका और कोई बड़ा काम नहीं, आपको सिर्फ इस धरती की खूबसूरती को, इसकी सृष्टि को, निर्माण को एंजॉय करना है, और अपनी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करते हुए इस मटेरियल वर्ल्ड में संतुलन बना के, किसी भी चीज़ का अतिरिक्त ना करते हुए खुशी से जीवन बिताना है, किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है, और धरती माँ अपने आप में पूरी बैलेंस्ड और परिपूर्ण है, उसे हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है, राइट? हर अनाज का दाना जो हम खाते हैं वो उसी से आता है, तो हर चीज़ के लिए धन्यवाद करते हुए अपना जीवन खुशी से बिताते हुए, बिना स्ट्रेस लिए, अपने उद्देश्य को समझे कि आपका उद्देश्य कुछ और नहीं है बट अपने आप को ही और बेहतर बनाने का है। यही मुझे बताना था, आई होप मैं ठीक से ट्रांसलेट कर पाई हूँ, पर जिनको इंग्लिश काफ़ी अच्छी तरह से समझती हूँ वो तो समझ ही गए होंगे, मैंने दो बार ऑलमोस्ट पढ़ा है, और हिंदी में मैंने पूरी तरह से ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, तो आई होप मैं वो काम ठीक से कर पाई हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं, बिकॉज बहुत से लोग हैं जिनको रीडिंग पसंद है पर रीड नहीं कर पाते, जिनको रीडिंग नहीं पसंद है पर उनको ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें, अनोखी चीज़ें जानना पसंद है, उस बुक का जो तात्पर्य है वो समझना पसंद है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिखें, मैं जो भी पुस्तकें पढ़ती हूँ उसमें हाईलाइट करके रखती हूँ ताकि वो मैं शेयर कर पाओ। ये आइडिया मुझे यही बुक के पढ़ने पर आया था कि मुझे ये, इसकी जो ब्यूटी है, ये बुक आप तक पहुँचे ना पहुँचे, आप इस बुक तक पहुँचो ना पहुँचो, तो एटलीस्ट इसमें जो कुछ अच्छी बातें हैं वो मैं आप तक पहुँचाऊँ इस छोटे से वीडियो द्वारा, यही मेरा प्रयास है। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे इससे और प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसा करने के लिए। थैंक यू सो मच, रूपल लिव टू इंस्पायर की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।